अब मैं कह रहा हूँ, जो अभी पलायन करके एक पीढ़ी दिल्ली में बैठी है, जो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो ये आंदोलन देख रहे हैं, अब उनका खुद मन करने लगा है, पापा हमारी भी पहाड़ में जमीन है क्या? मूल निवास और स्थायी निवास का जो ये मुद्दा है वो क्या है एक्चुअल में? अभी युवाओं के जीवन के होते हैं तो यही सोचता कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी में पहुंचे। ठीक है, लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, गैंग थी और जो अन्य थे, वो लोग जेल गए पेपर लीक के कारण, तो वो लोग आज जेल के अंदर तो है नहीं। ठीक है, हाँ सर, तो क्या मैं भरोसा कर लूं? हेलो व्यूअर्स, आज हम मिलने जा रहे हैं कार्तिक उपाध्याय से। सोशल मीडिया में आप इनको युवा पहाड़ी कार्तिक उपाध्याय के नाम से जानते होंगे। ये भी हमारे बीच में से ही आपके हैं, कुछ समय पहले तक ये भी उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसा आपको पता है कि कुछ समय पहले तक परिस्थिति आपका दूसरा थी, पेपर बहुत आपके लीक होते थे, और अब ये जो है उत्तराखंड के युवा को जगाने का काम कर रहे हैं, एक आंदोलन जो है इनने आपका छेड़ रखा है, तो उस पर हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक। धन्यवाद सर। तो कार्तिक, हम थोड़ा सा पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे, तो आप किस समय तक जो है वो तैयारी कर रहे थे? लगभग सर 2021 तक, 2017 से 2021, चार साल जो मेरे जीवन के हैं वो तो लगभग मेरे जीवन के, क्या सभी युवाओं के जीवन के होते हैं, तो यही सोचता कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी में पहुंचे। ठीक है, तो उसके लेके लगातार हम भी कोशिश कर रहे थे। बाकी आपने देखा ही है राज्य ने क्या हमें दिया। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप कहाँ से हैं वैसे? मैं सर छीमी गाँव मटेला सियालवाड़ी के पास ये पड़ता है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। जी ठीक है, तो कार्तिक जी, अब देखो यहीं पे मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली जानबूझ के इसलिए पूछा है क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं आपका जो मूल निवास और स्थायी निवास के ऊपर है, तो बहुत बार इसके ऊपर न्यूज़पेपर में आपका लिखा जा चुका है, सोशल मीडिया पे है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? मूल निवास और स्थायी निवास का जो ये मुद्दा है वो क्या है एक्चुअल में? सर देखिए, असल में जो आंदोलन अभी चल रहा है, आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें या ज़्यादा पहले की भी, 24 दिसंबर तक जो देहरादून में भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी, उससे पहले जब हम मूल निवास का आंदोलन कर रहे थे तो हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी यूथ के अंदर थी कि ये कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट है जो संविधान हमें एक अधिकार देता है, लेकिन इसका कितना घातक असर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हुआ, ये लगभग पिछले 1-1.5 साल में जो आंदोलन हुए हैं उस दौरान युवाओं को पता चला है। अच्छा, अब सीधा सा है सर, एक की समूह गौ की भर्तियों का उदाहरण हम लेते हैं, उसकी लगभग उत्तराखंड का हर युवा तैयारी कर रहा है। अब 2000 को राज्य अलग हुआ, मैं 1994 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। तो उत्तर प्रदेश में जब पैदा हुआ, आज मेरी उम्र 30 साल है, तो प्रथम अधिकार यहाँ की नौकरी में मेरा होना चाहिए। हाँ। बट राज्य अलग होने के बाद क्या करा, मूल निवास प्रथा को खत्म करके हमारी सरकारों ने स्थायी निवास लागू किया। अब उसका सीधा सा सर है, सर स्थायी निवास बनाने के लिए आपको 15 साल उत्तराखंड का निवासी, यहाँ की सुविधाएं आपको लेनी है। तो सर 2000 में राज्य मिला, मैं 94 में यहाँ पैदा हो चुका था, और 2001 में कोई राजस्थान या किसी भी अन्य राज्य से, अन्य राज्य का मूल निवासी उत्तराखंड आया, उसने भी स्थायी 15 साल बाद बना लिया। आज उसके बच्चों का भी स्थायी है, मेरा भी स्थायी है। ठीक है, सरकारी नौकरी में स्थायी प्रणाली इतनी घातक है कि आज मेरी नौकरी में सीधा सा बाहर वाले का डाका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के बाद कराया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मूल निवास पे ही जो है वो नौकरी पे चांसेस मिलने चाहिए? जी, मुझे कागज के टुकड़े से मतलब नहीं, उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र 1950 लिखा हो या उस पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र लिखा हो, इससे मुझे मतलब नहीं। मूल निवास 1950 को आप प्रचलन में लाइए और आयोगों में जितनी भर्ती उत्तराखंड के अंदर हो रही है उसमें मूल निवास प्रथा को लागू कीजिए। ठीक है सर, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि डेवलपमेंट उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल डेवलप ना हो, बिल्कुल, अगर यहाँ 100 डॉक्टर की जरूरत है, यहाँ 100 पटवारी की जरूरत है इस राज्य के विकास के लिए, तो पहले 100 मेरे उत्तराखंड के मूल निवासी हों। अगर 90 आपको शिक्षित यहाँ रोजगार, 90 ही पटवारी मिल रहे हैं, आप 10 जरूर बाहर से लाइए। ठीक है, लेकिन पहले प्राथमिकता हमें दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे बताया। अब हम थोड़ा सा उसी तैयारी के दौरान में आपको ले जाना चाहेंगे, तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि आपने 2017 से लेकर 2021 के बीच में आपने तैयारी की है, उसके बाद जो है बहुत सारा यहाँ पे जो हमने न्यूज़ वगैरह देखी, भ्रष्टाचार वगैरह है, अलग अलग पेपर जो है वो लीक हो गए, कहीं पे OMR सीट में आपका छेड़खानी हो रही थी, और अब जो है आपको अब क्या लगता है कि उस दौर में और आज के दौर में क्या अंतर है, या स्थितियाँ सुधरी हैं, क्या हुआ है? सर देखिए, जब पिछले वर्ष आंदोलन हुआ, उत्तराखंड बेरोजगार संघ, बॉबी पवार जी उसका नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का, हमने एक हुजूम देखा, वो सारे शिक्षित बेरोजगार थे, यानी कि सबसे पहले तो वो सब कुछ जानते हैं कि क्या पारदर्शिता है, क्या भ्रष्टाचार है, और वो हर कानून को समझते हैं। तो एक कानून लाया गया, वो सिर्फ
आंदोलन जो हुआ उसकी भीड़ को देखकर, युवाओं का गुस्सा देखकर हमारी सरकार एक कानून, नकल विरोधी कानून आया, तो हमें लगा कि बदलाव होगा, ये हमें लगा, क्योंकि ये कानून आता है राज्य में और एक आंदोलन के बाद निकलता है तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन आपने देखा उसके बाद एक युवा ने जब कहा कि अभी भी भर्ती में धांधली हो रही है, मेरे सेंटर में ये परिस्थिति हुई, तो उसको अंदर कर दिया गया। अच्छा, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। तो उस कानून को किसके लिए बनाया गया? दूसरा सर, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, हाकम सिंह था, हाकम सिंह जो गैंग थी और जो अन्य थे, वो लोग जेल गए पेपर लीक के कारण, चाहे वो कंपनी हो लखनऊ की जो पेपर बना रही थी, यहाँ छप रहे थे, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, तो वो लोग आज जेल के अंदर तो है नहीं। ठीक है, हाँ सर। तो क्या मैं भरोसा कर लूँ कि जिस व्यक्ति को हमने आंदोलन करके एक जेल भेजा कि उसने पेपर लीक, प्रूफ तो हुआ ना सर कि पेपर लीक किए, तो वो जेल के बाहर है, तो क्या वो चैन खत्म हो गई? क्या आयोग में 50 लोग, जो पेपर लीक के टाइम अगर 50 लोगों का स्टाफ था, क्या 50 का 50 वहाँ से बदल गया? नहीं ना, आपने मुख्य कुर्सी में बैठाए हुए 4 लोग बदल दिए। वो बाबू आज भी वहीं है, उसको पता है आज भी चाबी कहाँ रहती, वो अधिकारी जो प्रिंटर है, वो प्रिंटर आज भी वही अधिकारी चला रहा है। तो आयोग ने कुछ समय, ऐसा नहीं कि आंदोलन के बाद कुछ परीक्षाएं हुई जिसमें लोगों ने, युवा जब हमारे पास, हम देहरादून बैठे थे, धरना स्थल में आते थे, कई पेपर जो सकारात्मक रिजल्ट निकले वो हमें मिठाई खिलाने आते थे कि अगर आप लोग आंदोलन नहीं करते तो आज मैं सरकारी नौकरी में नहीं लगता। लगभग 6 महीने बहुत अच्छा आयोग ने काम किया, लेकिन आज आप फिर युवाओं की वही शिकायतें राज्य के अंदर शुरू हो गई हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो आज का जो युवा है वो आंदोलनों के बारे में क्या सोचता है? क्योंकि अब आप खुद आंदोलन कर रहे हैं, जो आपने किताबों में पढ़ा, जैसे आप 94 की बात कर रहे हैं, अब आप खुद आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का युवा जो है वो आंदोलनों के बारे में क्या सोच रहा है? सर, उत्तराखंड के युवा को मुझे लगता है कि आंदोलन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ना। अच्छा, अब एक किताब पढ़ने वाले व्यक्ति को सड़क में आने की जरूरत क्या है? ठीक है, वो टीचर बने, वो अन्य नौकरियों में जाए, तो आंदोलन हमें थोपा जा रहा है, हम तो उसे सोचते ही नहीं। सरकार ने हमें आंदोलनकारी बनाया। आज जो आंदोलन की स्थिति है कि अब युवा मजबूर है, क्योंकि सर हम अगर स्थिति है हम बाहर भी जाएं, यह हकीकत है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप हो सकता है समाज विरोध करे, मैं अपने पहाड़ को छोड़कर सर बाहर गया, दिल्ली गया, चाहे मैंने कोई नौकरी करी, मैं सेफ हूँ, मैं होटल में वेटर हूँ या मैं अन्य कोई भी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या वहाँ मैं सुरक्षित हूँ? मैं पहाड़ में सुरक्षित नहीं था, मेरे पहाड़ में अच्छी शिक्षा नहीं थी, मैं हल्द्वानी आ गया, लेकिन क्या मैं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ? ठीक है, मैं आज भी महंगी सुविधाएँ ले रहा हूँ। तो आज का युवा ये समझ रहा है कि हमें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जो अभी पलायन करके एक पीढ़ी दिल्ली में बैठी है, जो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो ये आंदोलन देख रहे हैं, अब उनका खुद मन करने लगा है, पापा हमारी भी पहाड़ में ज़मीन है क्या? अच्छा। और मैं मानता हूँ कि आज के युवा जो आंदोलन कर रहे हैं ये उनकी जीत है। ओके, और ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज आपने देखा होगा कि आप पहाड़ में मीट की दुकानें खुल गई, बाल काटने की दुकानें खुल गई, वो वही युवा तो हैं जो बाहर गए, कोविड में वापसी आए। तो ये आंदोलन की जीत है और ऐसी ही आंदोलन सर आगे भी चलता रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम फिर रिसेंट की आप बात करते हैं, हम लोग जो है गैरसैंण में अभी जो है सभी लोग वहाँ पे आपका इकट्ठा हुए थे, भू कानून जो आपका है उससे रिलेटेड या बहुत सारे वहाँ पे जो है मुद्दे थे, या जो हम तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहोगे कि भू कानून एक्चुअल में है क्या? सर, भू कानून को मैं इस तरीके से देखता हूँ, अगर मैं अपनी उसमें बता पाऊँ और जनता समझ पाए। सर, एक मेरी ज़मीन है, मेरे पूर्वजों से जोता, मेरे पूर्वजों ने पहाड़ काटे और खेत बना दिए, तो सुविधाएं तब भी नहीं थी, खेत में फसल होगी, लेकिन हमारे पास राज्य बनने के बाद भी आज ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई कि हम उस खेत में खुद को सक्षम कर लें। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, हमें ज़मीन बेचना हमारी मजबूरी है। अच्छा, क्योंकि हमें पलायन करके सर बच्चा मजबूरी है ना, प्रजनन प्रक्रिया नहीं रोक सकते। हाँ, मैं अगर सीधा कहूँ, हाँ, तो वंश आगे बढ़ेगा तो आपको शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उतरना है। सर, भू कानून हमें, हम तो नहीं मांग रहे ना, हमें हमारे संविधान ने दिया। ठीक है, हमारे संविधान ने कहा जो अलग जो राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं, उनकी विचार, उनके जो संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, जो उनके त्यौहार हैं, हम सर दिवाली के एक महीने बाद बग्वाल मना रहे हैं, हमारा अलग संस्कृति, हमारे पास पिछोड़ा है, हमारी बोली भाषा दिल्ली में बैठा हुआ
कोई मंत्री नेता नहीं समझ सकता, तो हम विशिष्ट है ना, हमारा एक जो पहाड़ी जो कल्चर है और जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारे खेत हैं, जो हमारे जंगल हैं सर, वो विशिष्ट हैं उत्तराखंड में। वो आने वाले समय में आज क्लाइमेट चेंज की जितनी चिंता वर्ल्ड में हो रही है, आने वाले समय में हर वैज्ञानिक उत्तराखंड के अंदर आके शोध करेगा क्लाइमेट चेंज पे, और ये शायद हम लोग नहीं समझ रहे। तो सीधा भू कानून है कि अगर आपको यहाँ व्यापार करना है, मेरी जमीन किराए पे लीजिए, मालिकाना हक मेरा होगा। यदि मेरा मालिकाना हक नहीं हुआ तो आज हम मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं, चलो दे दिया हमें, लेकिन मेरे पास जमीन तो है ही नहीं, मेरा बच्चा तो फिर दिल्ली रहेगा, अफगानी रहेगा। इसलिए सर अगर पहाड़ों को बचाना है, पहाड़ के खेतों को बचाना है, खेत भी छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ सरकार के उन जंगलों को बचाना है, तो भी भू कानून लाना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, लंबा ना हो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। 15 से 20 दिन पहले भवाली में एक अंदर जाके कोई रिसोर्ट खुल रहा है, उसने रात को 20 से 23 पेड़ काट दिए। अच्छा ठीक है, ग्रामीणों ने विरोध करा, उसका एक चलान कटा और अब वन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। अगले दिन DFO और हमारे अधिकारी गए, वन विभाग के बड़े समझदार अधिकारी, और उन्होंने जहाँ पेड़ कटे थे उसके बराबर में गड्ढे करके एक ही जगह दो पेड़ लगा दिए। तो क्या वो 30 साल का जो पेड़ था उसकी भरपाई नहीं हुई, हो गई क्या? ठीक है, तो इसलिए भू कानून बहुत जरूरी है सर, न सिर्फ पहाड़ की कृषि भूमि के लिए, बल्कि मेरा मानना है सबसे पहले उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए और सरकार के राजस्व और सरकारी जमीन को बचाने के लिए भू कानून बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी जैसे आप एक बार बीच में बात कर रहे थे कि आप विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन फिर जैसे थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं है कि रोड उनके खेत में से आपका चले जा रही है, तो हाँ, वो थोड़ा सा आप बताना चाहोगे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। 2017 में हमारे स्टेट में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, सिटिंग CM रहते हुए उन्होंने हल्द्वानी में घोषणा की, और बाकी मैं उस घोषणा का विरोधी नहीं हूँ। आज मैं देखता हूँ कि जितना पर्यटक आता है और कैची मंदिर के बाद तो अब बहुत ज़्यादा पर्यटक दबाव उत्तराखंड में और कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में है, तो उस रिंग रोड की जरूरत है कि वो शहर के बाहर से जो पर्यटक वाला ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर दे। पर ये एक अच्छी सोच थी त्रिवेंद्र रावत जी ने, इसकी घोषणा करी, बिल्कुल सही है, रिंग रोड आनी चाहिए। लेकिन सर रिंग रोड आप कहाँ से निकाल लें, एक बड़ा सवाल है। तो इसमें 2017 से अब तक एक सर्वे हुआ, लगभग 5-7 करोड़ रुपये सरकार का खर्च हो चुका है, और 3 सर्वे हुए जिसमें एक ऊपर काठगोदाम की तरफ से लामाछोड़ घुमाते हुए और इधर से आपका जंगल किनारे मोटालदू और जंगल किनारे लामाछोड़ में मिल रही थी। दूसरा सर्वे हुआ सर उसी के पास मोटालदू बाईपास से किसानों के खेत से होते हुए और ट्यूबवेल वगैरह जो भी पड़ते हैं उससे लामाछोड़। तीसरा हुआ पंचायत घर। अब सर तीनों सर्वे में आपके पास 2 जगह 40 फीट की रोड हैं और नीचे आपके पास खुद वन विभाग की संपत्ति है। एक तरफ रिसोर्ट बनाने वाला एक बाहरी व्यक्ति 30 पेड़ गिरा सकता है, लेकिन मेरी सरकार पेड़ नहीं काट सकती रिंग रोड के लिए। दूसरा, जिन किसानों की सर आप जमीन ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं उसमें स्वयं एक किसान मैं हूं, मेरे पूर्वजों की भी जब उन्होंने पलायन किया तो उन्होंने भी हल्द्वानी आके कुछ जमीन ली, उसमें से कुछ जमीन हम भाइयों की भी जा रही है जो एक संचायती खाता हमारा है। तो आपको हमें पता ही नहीं सर, एक काला मोटा पतला छोटा बड़ा नीला आदमी आता है, सरकारी गाड़ी से उतरता है, फीता होता है उसके हाथ में, कील होती है, कहते हैं आपकी उसमें सड़क बन रही है। जिस पिताजी की संपत्ति में मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन लेके स्वरोजगार करने के सपने देख रहा हूँ, सरकार कह रही नहीं कार्तिक रुक, उस पर हम सड़क बनाएंगे। अच्छा, मेरा संविधान का दिया संपत्ति का अधिकार कहाँ है सर? मैं अधिकारियों से मिलता हूँ, अधिकारी कहते हैं संदर्भ में राजस्व विभाग बताता है 5 बैठकें हो गई सर मेरी जमीन के, मेरे किसान, मेरे गांव के किसानों के खेत की, जिसकी जमीन है, जो जोत रहा है, हल चला रहा है, जो घास उगा रहा है उसको पता ही नहीं उसकी जमीन के लिए एक बैठक हुई है, 5 बार हो गई और डिसाइड हो गया कि इसकी सड़क जाएगी। ठीक है, तो ये एक दुर्भाग्य तो है, आप विकास कीजिए लेकिन किसानों को उजाड़ के विकास, वो वादे कहाँ गए? ऑर्गेनिक खेती सड़क में करें, ऑर्गेनिक खेती। दूसरा सर सीधा सा है संविधान, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। 2023, 2022, 2021 तीन उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पे किसानों ने रिंग रोड नहीं आने दी, उन्होंने सहमति नहीं दी, चौथी पीढ़ी की जमीन है हम नहीं आने देंगे, तो इस तरीके से भी विरोध होगा, ये विरोध का तरीका। लेकिन मुझे दुर्भाग्य इस चीज़ का, मुझे दुख इस चीज़ का है कि ना ही अधिकारी किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, यदि होते तो पहले उनके घर में चाय पीते ना सर,
आप आते ही क्या मैं आपके वहाँ आके आपसे कह दूँ ये कमरा मैं लूंगा, पूछूंगा सर 10-15 दिन रह लूँ क्या या मैं थोड़ा एक इसमें कर लूँ? तो अधिकारी इतने असंवेदनशील हैं, सरकार बड़ी असंवेदनशील है, ये चिंता का विषय है। दूसरा, हम भू कानून क्यों मांग रहे हैं सर? 14% किसी लैंड उत्तराखंड में है, ये भी मैं आज की नहीं, ये भी जब पता नहीं कई वर्षों पहले, दशकों पहले एक सर्वे हुआ, उसके बाद ना भूमि भी हमारी किसी लैंड नहीं हुई है आज तक, ना हमने जंगल नापे हैं ना जमीन। तो वो भू कानून किसके लिए? ठीक है, जहाँ किसानों की खेत उजाड़ के रिंग रोड बनाई जा रही है वहाँ भू कानून हम क्यों मांग रहे हैं? अब सवाल भी खड़े हैं जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बताया, आपके अंदर वो एनर्जी दिख रही है, वो रोष आपके अंदर दिख रहा है, जो युवाओं में गुस्सा है कि हमने उत्तराखंड बनाया किसके लिए था लेकिन उसकी आज हालत क्या हो गई है। तो यहाँ पर आप किसको दोषी मानते हैं? जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, उन्होंने जो विकास आपका किया है, या जैसे हम बहुत बार धीरे धीरे हम बात करते हैं कि जिस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपना योगदान दिया आज वो हाशिए पर है, उसका एक विधायक भी हमारी विधानसभा में नहीं है, तो क्या जनता दोषी है जिसने उनके नेताओं अपने नेताओं को या जो हमारी जो पहले उत्तराखंड क्रांति दल थी उसके नेताओं को उनने सदन में आपका नहीं भेजा, या जो अधिकारी हैं आप किसको दोषी मानते हैं जो आप जैसे युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर सके, उनको प्रोडक्टिव नहीं बना सके कि हमारा उत्तराखंड जो है वो विकसित आपका राष्ट्र जो है राज्य बन पाता? ये सर बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि ये तो इस समय मतलब राज्य की जरूरत है, तो इस पर थोड़ा सा 5 मिनट तो कम से कम मैं बोलना चाहूँगा, 3 मिनट तो तब भी करूँगा सर। दोषी सीधे से राष्ट्रीय पार्टियाँ और राजनीति है, ठीक है ना? दोषी एक आंदोलन हुआ, एक संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ, एक बैनर बना उत्तराखंड क्रांति दल, और राज्य आंदोलन हुआ, और क्या आंदोलन हुआ अगर आप गूगल करें, बिल्कुल, जिससे आज हम सब कुछ पूछते हैं गूगल से भी पूछें, आजाद भारत का सबसे बड़ा राज्य आंदोलन कौन सा है? तो पृथक राज्य आंदोलन उत्तराखंड, जो UKD के नेतृत्व में लिया गया, बिल्कुल लड़ा गया, उन्होंने राज्य दिया सर, बुद्धिजीवी लोग थे, बड़े आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने राज्य का निर्माण 42 शहादत के बाद छीन लाए दिल्ली से, और ऐसे पहाड़ी थे, भिखारी नहीं थे, लड़के लेके आए, बिल्कुल हाँ। छीन के लेके आए सर, राज्य बना, राजनीतिक सोच की कमी तो थी सर इसमें, ये पूरी जनता के सामने है, जो राष्ट्रीय दलों ने 3 मुख्यमंत्री बनाए, चाहे वो कोश्यारी जी हों, अन्य तो मुख्यमंत्री हों सर, वो उत्तराखंड आंदोलन में शामिल थे। तो राष्ट्रीय पार्टियों ने उस समय उपरांत के बैनर तले जो आंदोलन हुए उसके लीडरों को कैप्चर किया, उनके आंदोलन का जो एनर्जी, जैसा आप कह रहे हैं युवाओं की एनर्जी का, उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी तरफ लाए, चाहे वो प्रलोभन हो या चाहे प्रलोभन ना हो, मैं प्रलोभन का आरोप नहीं लगा रहा हूँ उपरांत नेतों पर, यह हो सकता है कि उन्होंने दिखाया हो, लाभ दिखाया हो कि उत्तराखंड का भला हम आपके साथ मिलकर करेंगे। उदाहरण देता हूँ, खंडूरी सरकार बनी सर, उक्रांद पता नहीं क्यों इतना असंवेदनशील हुआ, मुझे दुख होता है, मैंने 3 साल अपने जीवन को उक्रांद को दिए हैं, ऐसा नहीं, मैं क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति भी हूँ, क्योंकि राजनीति हर किसी को प्रभावित करती है और हर युवा को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो सर उक्रांद ने क्या करा ना, एक जो मेरा मानना है, जिसे मैं पहली गलती उक्रांद की मानता हूँ, उक्रांद ने राज्य बनने के बाद सबसे पहले पहली ही सरकार में, अंतरिम सरकार में ही कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 किसी एक किताब में उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लिखवाना था और बच्चों को पढ़वाना था, ठीक है, और वहाँ उत्तराखंड क्रांति दल का परिचय कराना था कि राज्य कैसे बना, वो UKD ने नहीं किया। उसके बाद सरकार में सहयोग हुई, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, खंडूरी जी की सरकार में तो बड़े जो इन मुद्दों पे आज आंदोलन कर रहे हैं, मूल निवास, गैरसैंण, राजधानी, इन सारे मुद्दों पर समर्थन दे के सरकार बनाई, वो खंडूरी जी तो थे जो कि 500 वर्ग मीटर से उन्होंने कहा नहीं जी इसमें भी उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा, उनके अंदर दर्द था, राष्ट्रीय पार्टी में होने के बाद भी उनके अंदर दर्द था, नहीं इसमें भी उन्होंने 250 वर्ग मीटर करा। लेकिन जब खंडूरी जी को अगर संगठन ने हटा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी से हटाया, तो यदि उक्रांद उस दिन समर्थन वापसी भाजपा से लेती, सरकार गिराती, नए चुनाव होते, राज्य का राजस्व पैसा जरूर बर्बाद होता, नया राज्य था कोई बात नहीं, पैसा जरूर बर्बाद होता, लेकिन सर उपरांत सरकार में आती या विपक्ष में होती, ये बड़ी गलती है। तो कहीं ना कहीं दोषी इस राज्य को अगर मैं कहूँ, जिस तरह सर उपरांत ने राज्य बनाया है, उपरांत की राजनीति, उपरांत का शीर्ष का विमुख रहना, और उपरांत का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के हिसाब से संचालन होना, क्योंकि सर मैं अगर आपके पास बैठा हूँ, तो मैं अगर आपकी जगह बैठा हूँ, ठीक है, आपकी सरकार में बैठा हूँ, तो आप ही के हिसाब से तो बात करूंगा, और मेरे अंदर इतनी ताकत होगी निर्णय लेने की, राज्य के प्रति इतना मैं गंभीर हूँगा, राज्य बनाने के बाद, राज्य बनाने तक आप गंभीर थे, राज्य बनाने के बाद भी यदि मैं गंभीर, तो यही दोषी है। ओके,
ठीक है। और मैं सीधा कहूँगा बर्बादी का कारण भी कहीं ना कहीं आज यूकेडी की राजनीतिक, मतलब उसे किस तरीके से मैं कहूँ, असंवेदनशीलता, मतलब राजनीतिक विचारधारा, या सिर्फ हम आंदोलन सीख गए, हम राष्ट्रीय पार्टियों के बराबर राजनीति करना सीखे ही नहीं, साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति हमें आती ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उक्रांद ने राज्य बनाया, बस जो आज आंदोलन कर रहे हैं उसकी बर्बादी का कारण भी उक्रांद है। उक्रांद वाले नेता मुझे माफ करें जी, ठीक है। चलिए लाइटर नोट पर थोड़ा सा और एक गंभीर सवाल हम जाने कि आप जो कर रहे हैं, अब आप अपने राज्य की तस्वीर क्या देखते हैं, या अगर जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप राजनीतिक, आपके जो है आपकी विचारधारा है, तो आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं इस चीज का, उसके साथ फिर हम इसको समाप्त करेंगे। सर देखिए, पहाड़ पलायन कर चुका, अब ये तो तय है कि वोट बैंक हमारा नीचे है सर, हमारे पास पहाड़ में सिर्फ पहाड़ हैं, वोटर नहीं है, तो राजनीति जो होगी वो भावर और तराई में होगी। अच्छा ठीक है, ये आप भी देखते हैं, हल्द्वानी में सर दो गाड़ियां हैं व्यक्ति के पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, हल्द्वानी में एक गाड़ी घुमा रहा है व्यक्ति, बट वो चुनाव के टाइम पे पहाड़ जाता है, और छोटा नहीं, वो ग्राम प्रधान भी बन जाता है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, मैंने सर ब्लॉक प्रमुख देखे हैं, हल्द्वानी उनका मकान है, पहाड़ ब्लॉक प्रमुख है, तो राजनीति यहाँ होनी है। और जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम पहाड़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मानना है कि हम पहले वोटरों को पहाड़ रिवर्स पलायन करके पहुंचाएं और हम राजनीति करेंगे। पर राजनीति सर हमारा सीधा सा है कि अब हम राजनीतिक विकल्प इन आंदोलनों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, चाहे वो किसी रूप में मिले, चाहे वो सर 36 से 40 क्षेत्रीय दल उत्तराखंड में है, अलग अलग रूप में, ये है हकीकत है, रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, रजिस्टर्ड है इतने क्षेत्रीय दल, चाहे वो यूकेडी, हिमालयन क्रांति पार्टी, राष्ट्रवादी, तो इस तरीके कई दल हैं, या वो संयुक्त मोर्चा बने, या फिर एक नए दल का निर्माण हो, क्योंकि अब नए दल का निर्माण कहते ही आप एक सवाल इसके बाद पूछेंगे कि नए दल की यूकेडी के साथ क्यों नहीं जाते, पर ये इसका आंकड़ा फिर बढ़ा देंगे, 37 कर देंगे, 41 कर देंगे, ये मतलब ये पूरा आम जनमानस का है कि आप तीसरे मोर्चे की बात करें तो उक्रांद के साथ जाओ। सर बिल्कुल जाएंगे, लेकिन किस आधार पर जाएं? ठीक है, उक्रांद सर एक मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति एक रैली करती है और कहती है कि कोई भी राष्ट्रीय दल झंडा लेके ना आए, समर्थन देने सब आ जाएं। अच्छा, लेकिन उक्रांद कहती है सर ये युवा पागल हो गए हैं, ये तो हमारे मुद्दे छीन रहे। सर मुद्दा किसी बैनर का नहीं होता, ठीक है, मुद्दा नागरिक का होता, राज्य का होता, ये उक्रांद को समझना चाहिए था। अब उक्रांद उस रैली के बाहर पुलिस वालों से झड़प होती है, अंदर महिलाएं बैठी हैं सर 2000, उक्रांद के 20 कार्यकर्ता अपनी पार्टी का झंडा लेके वहाँ पे दुख पहुँचाते हैं, और ऐसी पार्टी के साथ शायद मैं, मेरे जैसा युवा दोबारा जाना, या फिर या अन्य युवा भी वहाँ जाना थोड़ा सोचेंगे कि यार जिन मुद्दों पे संगठित होके लड़ना है वहीं हम बैनर की लड़ाई और झंडे की लड़ाई, झंडा सर चाहिए लेकिन झंडा भीड़ में नहीं चाहिए ना सर, आंदोलन में झंडे का क्या मतलब, झंडा सर हमें दिखाना है, 2027 चुनाव आ रहा है, लड़िए 70 विधानसभा, ठीक है, झंडा राजनीति करनी है वहाँ कीजिए ना, यहाँ संगठित हो रहे हैं। पर ये उक्रांद की गलती नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टियों का षड्यंत्र है सर। अच्छा, पहाड़ी इकट्ठा होगा परेशानी होगी, ठीक है, दल बना रहे, जब राज्य बना रहे थे तब भी परेशानी हुई ना। तो अब राष्ट्रीय पार्टियों का वोट बैंक सर पहाड़ में भी है, जो बचा हुआ है कुछ विधायक तो वहां से भी लाने ना, केदारनाथ बद्रीनाथ जो हमारी पर्यटन क्षेत्र है वहां पे कैसे आप बड़े बड़े वोट लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो डायरेक्ट तो आप बोलेंगे नहीं, तो उसका तरीका है फूट डालो, राज्य करो, राज करो। तो कहीं ना कहीं मूल निवास भू कानून आंदोलन में राष्ट्रीय पार्टियां भी एक षड्यंत्र रच रही हैं कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी इन मुद्दों पर इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें किसी तरीके से तोड़ा जाए, और उसमें उक्रांद का वो प्रयोग कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे विचार आपने बताए, युवाओं क्या सोचता है उत्तराखंड के बारे में ये आपने बताया, आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप जो विकसित उत्तराखंड का सपना देख रहे हैं वो बहुत जल्दी आपका पूरा हो, इसमें हमारी तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए हम जरूर आपका करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय उत्तराखंड।